नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। अब मैं एक बार फिर कोरोना के ही मुद्दे पे आ जाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, शायद लोगों को समझ में आ जाए, सरकार को समझ में आ जाए, और अगर आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं जितना हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरकारें कैसे डाटा, जो जरूरी डाटा, जो मरने का जो डेथ रेट है, उसको मैनिपुलेट करके आपके सामने रख रही है। अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब का आपको मैं एक पोस्ट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सरकार डेथ रेट को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, आपके सामने दिखा रही है, और एक्चुअल में जो लाशें जलाई जा रही हैं, दफनाई जा रही हैं, वो क्या डाटा है, तो आपको जब जान के हैरानी हो जाएगी और बिल्कुल दिल दहलाने वाला है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि मत डरिए, दिमाग को शांत रखिए, डरने की बात नहीं है, प्रिकॉशंस लीजिए, दूरी बनाइए वगैरह वगैरह। एक तरफ जब डर ख़त्म हो जा रहा है तो लोग रोड पर ऐसे घूम रहे हैं और बेवकूफ़ों वाले तर्क लेके कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो सिंपल खांसी जुकाम बुखार है, सरकार तो बेवकूफ़ बना रही। कुछ लोग कहते हैं आबादी घटाने का नया तरीका, कुछ लोग कह रहे हैं 5G के नेटवर्क का रेडिएशन है जो पाया जा रहा है, मतलब तमाम फालतू तर्क। लेकिन अगर कभी किसी के पास ऐसी पावर होती कि कोरोना से मरते हुए व्यक्ति से पूछें कि आपको क्या तकलीफें हो रही हैं, आप किस वजह से मरे, क्या आप कभी एक्सप्रेस कर सकते हैं उस पेन को, उस स्ट्रगल को, जिंदगी को जीने के जो स्ट्रगल है, किसने किया होगा आखिरी दम तक, तब वो व्यक्ति ही आपको बता सकता है कि कोरोना क्या होता, तब शायद आपको समझ में आ जाए उन मंदबुद्धियों को। खैर, इस बार सब प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सॉल्यूशंस की बात करना चाहता हूं। अगर अभी भी आप लोग देख रहे हैं, कोई नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं चाहता हूं लोगों की बुद्धि थोड़ी खुले और थोड़ा सरकार और जनता के कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम चले। बिना एक दूसरे के समर्थन के ये नहीं होने वाला है। रोज के केसेस 3 लाख के ऊपर आ रहे हैं, आज का डाटा 3,20,000 के ऊपर है। पहली बार सरकार के एक पाखंड पे मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि एक तरफ आप बंगाल में दबा के रैलियाँ कर रहे हैं, हर पार्टी की रैली हो रही है, जो भी मेजर पार्टीज हैं, TMC, कांग्रेस, भाजपा, वहाँ मास्क नहीं है आपके लीडर्स के चेहरे पे। लेकिन मोदी जी की कई बार कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसकी जब फोटोज आती हैं तो उसमें वो मास्क है, मतलब जब आप प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में हैं तब आपको मास्क की जरूरत है, आप रैली में है तो नहीं जरूरत है। आप क्या दिखाना चाहते हैं जनता को, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो इतनी बड़ी रैली होती, जो इतना ज़्यादा क्राउड होता है, क्या उसमें लोगों को इन्फेक्शन का डर नहीं होता? लेकिन कुंभ में बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, लोग सबकी सलाह सामने आ जाती है। लेकिन वही सरकार जिसको कुंभ की चिंता है, उसी सरकार को अपने रैली में जो लोग आए हैं, जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात, क्या अगर मैं, मोदी जी, कोई भी अगर कह दे कि यहाँ रैली होने वाली है, कोरोना का भीषण प्रकोप है, घर से निकलिए समर्थन में, वोट के लिए आइए, मुझे देखने आइए, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, आपको वोट कास्ट करने की, लोगों की रैली में घुस घुस के लोगों को देखने की, दूर दूर से देखने की बहुत चिंता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अगर सरकार रैलियाँ कर रही है तो रैलियों में जाने वाले लोग तो वो आम लोग हैं जो चाहें तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हम घर पर बैठे, फिर शायद वो सुनसान रैली होगी और कुछ गिने चुने समर्थक होंगे या कार्यकर्ता होंगे और एक मंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, जो भी होगा, रोड पे घूमेगा। तो आप अपनी जान की रक्षा खुद करिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज के डेट में हॉस्पिटल्स की कमी हो गई, हॉस्पिटल्स हैं तो बेड्स की कमी हो गई, बेड्स और हॉस्पिटल गलती से किसी को मिल जा रहा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। ये सब भी होने के बाद रेमडेसिविर की दवाई चोरी हो जा रही है, कहीं किल्लत है, कहीं किसी किसी के पास 100-100 डब्बे पाए जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद क्या आप ये चाहेंगे कि आप कोरोना पीड़ित हो जाएं, हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़े रहें और ये सारी किल्लतें आपके सामने नज़र आएं और आपको नज़र आने लग जाए कि मेरे ज़िंदगी के दिन ज़्यादा नहीं बचे? और फिर अगर आपको उस गलती का एहसास भी होता कि हम उस रैली में क्यों गए, कुंभ में क्यों गए, किसी मस्जिद में क्यों गए, किसी मंदिर में क्यों गए जहाँ भीड़ थी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक नज़र जानते हैं कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, माना अगर कंपैरिजन करेंगे तो मोदी जी ने अपने टेन्योर में बहुत सारे एम्स, बहुत सारे हॉस्पिटल, तमाम चीज़ें की, लेकिन क्या उन्होंने उस स्पेस को फिल किया जिसकी भारत को, भारत जैसे देश को, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश को जरूरत थी? नहीं, सिरे से नहीं दिख रहा, नज़र आ रहा है। सरकार कह रही कि हम इलाज मुफ्त कराएंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में। सरकार कह रही कि हम वैक्सीन देंगे, फ्री देंगे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में। सरकार कहती है कि कोरोना का टेस्ट फ्री में होगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में। और जनता हमारी क्या कर रही है? जनता भेड़ बकरियों की तरह सरकारी अस्पतालों में टूटी पड़ी है फ्री का माल लेने के लिए, और इस डर से कई लोग घर पे ही रह जाते हैं, सरकारी में तो जाएंगे तो हो ना हो कोरोना हमें ऑलरेडी हो जाएगा, इतनी भीड़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो यहाँ क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि सरकार एक हाथ पर चीज़ें जब फ्री दे ही रही है तो मैनेजमेंट भी ऐसा करे कि लिमिटेड लोग आए कैंपस में,
और दूसरी तरफ जनता इस बात का ध्यान रखे कि हम भेड़ बकरियों की तरह ना जाएं, कि जिसको कोरोना नहीं भी होना होगा, टेस्ट में नेगेटिव आना भी होगा, तो उसी वक्त उस भीड़ का हिस्सा बन के खुद भी इन्फेक्ट हो सकता है, 10 लोगों को और इन्फेक्ट कर सकता है। खैर, इस बार मैं बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके 1-1 लाख, 10-10 लाख, 10,000, 20,000, काफ़ी मतलब बड़ी तादाद में पहले पिछले साल से लेके इस साल में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ऐसा निकल के आया है कि लोग कंटिन्यूसली अपने फॉलोअर्स को नया नया अपडेट दे रहे हैं स्टोरीज लगा लगा के कि यहाँ ये चीज़ें उपलब्ध हैं, ये नंबर हैं, ये शहर हैं, ये लोग हैं, ये नाम हैं, ये ब्लड ग्रुप है, तमाम अपने इन्फ्लुएंसर होने का एकदम सकारात्मक रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंसर्स के काम होते हैं, आपको यही करना चाहिए, ना कि सिर्फ 10 घंटा मेकअप करके लोगों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे सुंदर लगा जाए। तो इस बात के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर कोई देख रहा है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको ख़त्म करते वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को नहीं हुआ है तो कैसे बचना है, ये तो मैंने बता दिया कि अपनी समझदारी दिखाई, सारा ब्लेम सरकार के ऊपर मत दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ नहीं जाना है। घर का एक व्यक्ति निकले, वो आइसोलेटर है, सारा काम बाहर से करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान लेके आए उसको सैनिटाइज करिए और इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तो अगर आप चेक करवाने भी नहीं जाना चाहते, अगर आपको लग रहा है कि लक्षण हैं, तो अपने आप को घर में किसी सेपरेट कोने में जो बाथरूम से अटैच हो उसके साथ अलग हो जाइए, बाकी घर वाले आपका मिलके ख्याल रख लेंगे। योगा करिए घर में, जितने भी सांस से, ब्रीदिंग से रिलेटेड जितने भी योगा के पोजिशंस होते हैं वो सारे करिए। रामदेव की सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उन्होंने कैसे कैसे बताया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके फेफड़े ठीक रहेंगे, सांस की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एटलीस्ट नेचुरल इलाज तो यही, बाकी ऑक्सीमीटर, जितनी दवाइयाँ, सब आप घर में ला के रखिए। और इनकेस बुखार 102 से ज़्यादा रहे 4 दिन तक या 4 दिन से ज़्यादा, ऑक्सीजन भी अगर लगातार गिरता जाए, 90 से नीचे आ जाए या 92 से नीचे आ जाए, तब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे पहले नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी बेड्स हैं नहीं। और अगर होंगे भी किसी गलत हॉस्पिटल में, अगर आप गलती से पहुँच भी गए, पैसे की लालच में किसी ने आपको एडमिट कर भी लिया, तो वहाँ पर आपका स्वास्थ्य सुधरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई कई हॉस्पिटल्स में तो आग लग गई, लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो आग लगने से मर जा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बात लोगों को समझ में आ गई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों की जानें बचाएं। अगर आपका प्लाज्मा डेवलप हो चुका है, यानी अगर कोरोना से ठीक हुए 2-3 महीने हो गए हैं या 2 महीने भी हो गए हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से अपना प्लाज्मा, जिसको भी सूट करता हो आपकी बॉडी का प्लाज्मा, उसको पहुँचाइए। इतना तो आप कर सकते हैं, ये भी सेफ प्रोसेस है, और एक दूसरे की हेल्प करिए तभी नंबर कम हो। और इम्यूनिटी बढ़ाने पर पूरा ध्यान दीजिए, कोरोनिल खरीदिए, कोरोनिल का सेवन करिए, इससे नज़र आया है कि इम्यूनिटी बढ़ती है। एक इम्यूनिटी बूस्टर ही, कोरोना की कोई दवाई नहीं, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तब आपका शरीर खुद ही तैयार रहेगा कोरोना से लड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।